आज हम मैकेनिकल सेकेंड ईयर के छात्रों को ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के यूनिट 5 कटिंग फ्लूइड्स एंड कूलिंग प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। GPC डूंगरपुर मैकेनिकल स्टूडेंट्स के इस YouTube चैनल के माध्यम से ली जा रही इस क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कटिंग फ्लूइड्स क्या हैं, ये कितने प्रकार के हैं और इनके क्या क्या फंक्शन हैं। तो चले आइए हम कटिंग फ्लूइड्स के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। उच्च चाल इस्पात की खोज से पहले मैकेनिक के कटिंग फ्लूइड्स का चयन करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन मशीनन क्रिया हाई स्पीड पर होने के कारण से कूलेंट व कटिंग फ्लूइड्स की आवश्यकता हो गई। अतः कटिंग फ्लूइड्स व कूलेंट को कार्य में लाया जाना अति आवश्यक है, अन्यथा घर्षण के कारण से, कूलिंग नहीं होने के कारण से टूल व जॉब हमारा खराब हो सकता है। तो आइए हम कटिंग फ्लूइड्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। कटिंग फ्लूइड्स को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है गैसेस टाइप, दूसरा है लिक्विड कटिंग फ्लूइड, तीसरा है सोल्यूबल ऑयल, चौथा है केमिकल कूलेंट। इसमें लिक्विड टाइप कूलिंग फ्लूइड्स को हमने फिर से 4 भागों में सब डिवाइड किया है। इसमें आता है वाटर, स्ट्रेट मिनरल ऑयल, फैटी एसिड्स, ब्लेंडेड फैटी मिनिमम एसिड्स। तो चले आइए हम इनके बारे में बात करते हैं। गैसेस टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड्स, इस वर्ग में मुख्य कटिंग फ्लूइड्स हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन तथा तेल मिश्रण आते हैं। इस तरह के फ्लूइड्स नोजल के द्वारा दाब की परिस्थिति उपयोग में लाते हैं। सामान्यतया कम हवा को प्रयुक्त नहीं करते, क्योंकि हवा कम शीतलक, स्नेह तथा जमावरोही होती है। हवा को हम तभी शीतलक के रूप में प्रयुक्त करते हैं जब कार्बन क्रिया के दौरान अन्य कटाई तरल की आवश्यकता नहीं होती। सबसे ज़्यादा CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, को हम गैसीय शीतलक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसमें पिंड से उपमा ग्रहण करने की, यानी कि ऊष्मा ग्रहण करने की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है, जिससे इसको कूलेंट के रूप में काम में लिया जा सकता है। इसके बाद आता है लिक्विड टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड्स। लिक्विड में पहला पार्ट है हमारा वाटर। सादा पानी व सोडा पानी सबसे प्रमुख कटिंग फ्लूइड्स हैं। यद्यपि आज भी मशीनन क्रिया के दौरान पानी में एल्कोहल तत्व प्रयुक्त करते हैं, जब छीलन का शीतलन बहुत ही कम करना हो। पानी की उपकीय चालकता एवं विशिष्ट ऊष्मा उच्च होने के कारण तथा प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होने के कारण यह सबसे उत्तम कटाई फ्लूइड्स हैं। पानी को प्रयुक्त करने पर हमें अतिरिक्त सावधानी भी रखनी पड़ती है, क्योंकि टूल्स पर जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऑयल बेस कटिंग फ्लूइड्स में तरल सीधे तेल के नाम से भी जाने जाते हैं, ये खनिज या वसा तेल के रूप में हो सकते हैं। स्ट्रेट मिनरल ऑयल्स, इस तरह के तेलों की श्यानता व शीघ्रता से गीला होने की प्रवृत्ति होती है।
ये सामान्यतया हल्की क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अलोह धातुएं, एल्यूमिनियम, ब्रास, मैग्नीशियम इत्यादि। फिर ये तरल जहां मशीनन क्रिया स्वचालित होती है तथा जहां लुब्रिकेंट व कूलेंट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती वहां प्रयुक्त करते हैं। इसके बाद आता है फैटी एसिड्स। कुछ समय पहले तक भारी मशीनन क्रियाओं में वसे तेलों को स्नेहक के रूप में प्रयुक्त करते थे, लेकिन अब इनकी अत्यधिक लागत के कारण इनका प्रयोग सीमित हो गया है। दूसरा एक कारण यह है कि इसकी गंध बहुत खराब व तेज होने के कारण इसका प्रयोग सीमित कर दिया गया है। इसके बाद आता है ब्लेंडेड फैटी मिनरल एसिड्स। वसीय व खनिज तेल से युक्त उत्पाद को हम खनिज तेल में 10-30% वसीय तेल का मिश्रण बनाकर मिलाते हैं तथा उनकी श्यानता भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। इसके निम्न लाभ हैं। वसीय तेल की लागत कम करता है। अलोह धातुओं तथा स्टील की सतह परिष्कृति में सुधार कर देता है। गीलेपन के गुण में भी सुधार करता है। मिश्रण युक्त तेल में अन्य अवांछनीय गुण नहीं होते। इसके बाद आता है सोल्यूबल ऑयल। घुलनशील तेल में खनिज तेल और वसीय तेलों में इमल्सीफायर जैसे साबुन होता है। सभी इमल्शन युक्त तेलों की अच्छी शीतलक प्रकृति होती है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। अतः अत्यधिक धातु छीलन दर के लिए घुलनशील तेलों का इमल्शन आवश्यक है। टर्निंग, ड्रिलिंग, केंद्र रईस यानी कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग और मिलिंग प्रक्रम में इस तरह के घुलनशील तेलों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है केमिकल कूलेंट। रासायनिक शीतलक को हम सिंथेटिक कटाई तरल भी कहते हैं। ये हमें सांद्रिक तथा पानी के साथ मिश्रित करने पर प्राप्त होता है। रासायनिक शीतलक को बड़ी संख्या में रासायनिक तत्वों के मिश्रण से प्राप्त करते हैं। इनको हम पानी आधारित शीतलक भी कहते हैं। प्योर कूलेंट, इसमें कोई स्नेहक नहीं होता तथा सामान्यतः पानी तथा जंगरोधी तत्वों से ये बना होता है। फंक्शंस, इनके कटिंग फ्लूइड्स के क्या क्या कार्य हैं इसके भी हम बात करते हैं। चलो आइए अध्ययन करते हैं फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड्स। सबसे पहला व महत्वपूर्ण कार्य कटिंग फ्लूइड्स का यह है कि ये औजार तथा कार्यखंड को ठंडा रखता है। शीतलक का भाव छीलन के पीछे की तरफ गिरती है जो कि अधिकांश ऊष्मा को ले जाती है तथा अपरूपण जोन के तापमान को कम करता है। स्नेहक उपलब्ध कराना तथा छीलन को धोना दूसरी प्राथमिकता है। इसके अलावा अन्य कटिंग फ्लूइड्स के कार्य भी हैं, ये इस तरह से हैं। औजार तथा कार्यखंड के मध्य घर्षण कम करना, औजार का जीवन काल बढ़ाना, कटाई क्रिया के लिए आवश्यक ऊष्मा कम करना, क्रिया के दौरान औजार व कार्यखंड को ठंडा रखना, अपने साथ पृथक कृत धातु व धूल को बाहर कर ले जाना, मशीनित सतह को श्रेष्ठ परिष्कृति देना। जैसा कि हमने बता दिया है कटिंग फ्लूइड्स का मुख्य कार्य शीतलन, स्नेहक व तथा छीलन साफ रखना है। मर्चेंट के द्वारा किया गया कार्य के फलस्वरूप कटाई तरल का प्रभाव पड़ता है, लेकिन सिद्धांत हम पूरी तरह से पालन नहीं करते क्योंकि मशीनन क्रिया के दौरान उच्च चाल की आवश्यकता होती है। अधिकांश कार्य मर्चेंट द्वारा कम गति पर किया जाता है। मर्चेंट ने इसके लिए छीलन औजार के मिलान की एक काल्पनिक चित्र बनाया जो कि औजार सतह व छीलन औजार के मिलान पर होता है। कटाई तरल छिद्रों के बीच निर्वात के कारण इन छिद्रों पर प्रभाव डालता है।
उच्च दाब व ताप के कारण छिदन की साफ सतह पर तरल रासायनिक रूप से क्रिया करता है। इस वजह से यह छिदन व औजार के मध्य रासायनिक मिश्रण की मुलायम फिल्म बना देता है। यह धातु से धातु के संपर्क से बचाता है तथा घर्षण व घंटित कोर बनने को कम करता है। इसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड्स, यानी कि कटिंग फ्लूइड्स को किस तरीके से हम चयन करेंगे। कटिंग फ्लूइड्स का चयन कार्य की प्रकृति के हिसाब से करते हैं। जो पदार्थ छोटी मात्रा में छीलन उत्पन्न करते हैं, जैसे लौह धातुएं, उनके लिए कटाई तरल की आवश्यकता नहीं होती। उच्च सामर्थ्य वाली मिश्र धातुएं, जो कि साफ लंबी छीलन उत्पन्न करते हैं, ये सामान्यतया अच्छा कटिंग करती है। यदि ज़्यादा तेलीय कूलेंट प्रयोग करते हैं, तब सल्फर युक्त खनिज को हम प्रयोग करते हैं। श्यानता भी एक महत्वपूर्ण गुण होता है, जो कि कटिंग ऑयल के चयन में अगर श्यानता बहुत कम है तो तेल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। जब कटिंग क्षेत्र पर कार्य करता है तो तेल धुएं को रोकता है। यदि श्यानता ज़्यादा है तो तेल का दुरुपयोग ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी छीलन पर चिपकने की क्षमता ज़्यादा होगी। भारी तेल लंबे समय तक छीलन व धूल से दूर रखता है, अतः ये तेल का आयुकाल कम करती है। कटिंग ऑयल की श्यानता 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। इसके लिए हम निम्न कारणों पर विचार करते हैं। कटिंग फ्लूइड में सल्फर मिश्रित होता है, अतः इसे निकिल आधारित मिश्र धातु में प्रयोग नहीं करते। तरल में क्लोरीन होता है, अतः इसे टाइटेनियम के साथ प्रयुक्त नहीं किया जाता। कटिंग फ्लूइड को प्रयुक्त करने के पश्चात इसे पर्यावरणीय प्रभाव से बचाना चाहिए। कटिंग फ्लूइड्स को दोबारा प्रयुक्त करने के लिए इसकी छनित्र विधि को सही तरीके से प्रयुक्त करना चाहिए। कटिंग फ्लूइड को पर्यावरण नियमों के तहत ही नष्ट करना चाहिए। कटिंग फ्लूइड से उत्पन्न होने वाली गंध, रंग व धुएं से कार्यरत कर्मचारी पर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मशीन के पार्ट्स साफ एवं धोए हुए हों तथा कोई कटिंग फ्लूइड नहीं रहना चाहिए, जिससे हम कुछ अतिरिक्त संक्रियाएं भी आसानी से कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, कोटिंग इत्यादि। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस किस पदार्थ के लिए किस किस क्रिया में किस किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के लिए केरोसिन का काम में लिया जाता है, एलॉय इस्पात के लिए सल्फर युक्त खनिज को काम में लिया जाता है, निम्न कार्बन स्टील के लिए विलायक तेल सोल्यूबल ऑयल को काम में लिया जाता है, खनिज कॉपर के लिए सल्फर क्लोरीन युक्त तेल काम में लिया जाता है, ब्रोंज के लिए सूखा और पैराफिन ऑयल काम में लिया जाता है, मैग्नीशियम के लिए सूखा और खनिज ऑयल काम में लिया जाता है। ये हमारे हैं कोटिंग फ्लूइड्स और इनके सिलेक्शन और कटिंग फ्लूइड्स के किस तरीके से हम कटिंग फ्लूइड्स को प्रयोग में लेंगे। थैंक यू।